हेलो बच्चों, कैसे हो? सब ठीक हो? पढ़ाई कर रहे हो? चलिए, आज मैं सरिता भाटिया आपको कक्षा 9 हिंदी की पुस्तक क्षितिज में पाठ 1 दो बैलों की कथा इस वीडियो के माध्यम से समझाऊंगी। बच्चों, सबसे पहले इसमें किसानों और पशुओं के भावनात्मक संबंधों को दर्शाया गया है तथा साथ ही बताया गया है कि स्वतंत्रता हमें सहज ही प्राप्त नहीं होती, बल्कि बार बार उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। आइए अब कहानी पढ़ते हैं। बच्चों, दो बैलों की कथा के रचयिता प्रसिद्ध कहानीकार तथा उपन्यास सम्राट प्रेमचंद जी हैं। प्रेमचंद जी का जन्म 1880 में बनारस में हुआ था और इनका मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद जी साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे, इसलिए उन्होंने जिस परिवेश को देखा और जिया उसी की अभिव्यक्ति उनके साहित्य में मिलती है। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं के मूल विषय हैं। आइए अब कहानी पढ़ते हैं। झूरी नामक किसान के पास हीरा और मोती नाम के दो बैल थे। देखने में सुंदर तथा काम में चौकस थे। दोनों बैलों में सच्ची मित्रता थी, इसलिए बिना बोले ही एक दूसरे के मन की बात को समझ जाते थे। दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाने पर यही चेष्टा करते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी गर्दन पर रहे और मेरे मित्र को परेशानी ना हो। बच्चों, यहाँ सच्ची मित्रता करने की प्रेरणा मिलती है। झूरी ने एक बार दोनों बैलों को अपने ससुराल भेज दिया, पर बैलों को गलत फहमी हो गई कि हमें बेच दिया गया है। अतः दोनों बैलों ने झूरी के साले गया को रास्ते में खूब परेशान किया। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो वे झूरी से पूछते कि उसने उन्हें क्यों निकाल दिया। वे तो पूरे तन मन से उसके खेतों में काम करते थे और जो कुछ खिलाते थे वे खा लेते थे, कभी कोई शिकायत भी नहीं की। और फिर झूरी भी उन्हें इतना प्रेम करता था, फिर इस जालिम के हाथों क्यों बेच दिया? दोनों बैल इस बात को समझ नहीं पा रहे थे। बच्चों, यहाँ हमें जल्दबाजी में कोई फैसला न लेकर सोच समझ कर निर्णय लेने की प्रेरणा मिलती है। शाम को गया के घर पहुंचने पर दोनों बैलों को अच्छा नहीं लग रहा था, अतः रात को दोनों बैल अपनी अपनी रस्सियां तुड़वाकर भाग निकले और वापस झूरी के घर आ गए। सुबह झूरी ने दोनों बैलों को देखा तो स्नेह से गदगद हो गया और उन्हें दौड़कर गले लगा लिया। बच्चों, यहाँ किसानों और पशुओं के भावनात्मक संबंधों को दर्शाया गया है। अगले दिन झूरी का साला गया फिर बैलों को लेने के लिए आया। इस बार उसने दोनों को गाड़ी में जोता और घर ले आया। इस बार उसने बैलों को मोटी रस्सियों से बांधा और उनके व्यवहार से दुखी होकर उन्हें केवल सूखा भूसा ही खाने को दिया। दूसरे दिन हल में जोते जाने पर दोनों बैलों ने जैसे पांव न उठाने की कसम ही खा ली थी। अतः गया ने दोनों बैलों की खूब पिटाई की। तब मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया और हल, रस्सी, जुआ, जूत सब लेकर भागा, किंतु गले में लंबी लंबी रस्सियों के कारण दोनों पकड़े गए। मोती गया और उसके साथ आते आदमियों को मारना चाहता था, पर हीरा ने उसे समझाया कि इस समय गया ही हमारा मालिक है, अतः अपने मालिक पर प्रहार करना या उसे शारीरिक नुकसान पहुंचाना हम सेवकों का धर्म नहीं है। तब गया ने आकर दोनों बैलों को पकड़ लिया। बच्चों, इससे आगे की कहानी हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।